जनपद संभल की चंदौसी में हनुमान जयंती पर हिंदू जागरण मंच ने बंदरों को भोजन खिलाया। जनपद संभल की चंदौसी में आज लोग गांव के चलते हनुमान जन्मोत्सव पर हिंदू जागरण मंच के प्रांत प्रचार प्रमुख कौशल किशोर वंदे मातरम ने यहां सीता आश्रम स्थित शनिदेव मंदिर पर भूखे बानरों को लड्डू, केला, रसगुल्ला, बिस्कुट, पापड़, नमकीन, खिचड़ी आदि खाद्य पदार्थों का सेवन कराया। इसे महाभोग की संज्ञा देते हुए एक अनूठे रूप से हनुमान जन्मोत्सव मनाया। यहाँ के अलावा सीता रोड, केथल रोड, रामबाग व ग्राम केथल के बानरों को भी हिजाम के कौशल किशोर के साथ अनेक कार्यकर्ताओं ने भी भूखे बानरों को खाद्य पदार्थों का सेवन कराया। इस दौरान हिजाम नेता के साथ संतोष बालाजी, चंदन पाल, हर्ष किशोर व दीपांशु वाछड़े मौजूद रहे। कौशल किशोर वंदे मातरम, हिंदू जागरण प्रांत प्रचार प्रमुख। सर, आज ही आप बंदरों की, ये करीब जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से आप पूरे बंदरों की सेवा कर रहे हैं और जानवरों की सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो लॉकडाउन के अंदर सबके मकान बंद हैं, बाजार बंद हैं, तो जो हमारा गौवंश है, गाय है, बिजार है और कुत्ते हैं, बंदर हैं और पक्षी हैं, इन लोगों को भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। और जैसा कि हम रोजाना जो है गाय के लिए हम चारा, बिजारों के लिए चारा और कुत्तों बंदरों के लिए बिस्कुट, पापे, ब्रेड आदि वगैरह हम जो है ना डालते हैं। आज चूँकि हनुमान जन्म तो सब है और लॉकडाउन है, कोई मना भी नहीं सकता इतना, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आज हम बानर सेना को इस प्रकार के हम भोग लगाएं। महाभोग हमने ये रखा है जिसमें लड्डू भी हैं और ये चावल भी उनमाए हैं, रसगुल्ले भी हैं, केले हैं उनके लिए, बिस्कुट, बेकरी, पापे, ब्रेड वगैरह आदि आज हम इनका इन लोगों को हम जो खिलाएंगे जो बंदर आज हम भूखे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये करने से आपको कैसा, आपके मन को कैसा लगता है? नहीं, ये जो मैं काम में लगा हुआ हूँ इसमें ऐसा दिल को इतना सुकून मिल रहा है, और बंदर जो खुगार खुगार आम व्यक्ति उनके पास नहीं पहुँच सकता, वो बंदर आज हमें जान गए। आज हमें 10-12 दिन हो गए काम करते हुए, वो हमें आज बंदर जान गए। एक आवाज में बंदर आता है और हमारी गोदी में बैठकर खाता है, जैसे कि हम उसके पालक हों, वो हमारे परिवार का अंग हो। और आज हमें गाय, बाजार जो भी मिलते हैं एक आवाज में आ जाते हैं और हमें भी ऐसे लग रहा है कि हमारे परिवार के अंग हैं। और वास्तव में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, हिंदू जागरण मंच ने जो इस प्रकार का काम दिया है, तो इस प्रकार का हम जो कार्य कर रहे हैं, बेजुबान जानवर है, बेसहारा लोग हैं और इन्हें, इन लोगों को कोई पूछने वाला भी नहीं है, तो हम इनकी जो भूख मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और नगर चंदौसी के अंदर कोई भी प्राणी भूखा ना रहे, इसका हमने ये बीजा उठाया है और बेजवान बेसहारा पशुओं को, जानवर के लिए हम इस प्रकार की रोज भोजन में अपना उपलब्ध कराते हैं।